जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि आखिर एसएससी जीडी का रिजल्ट कब देखने को मिलेगा। तो देखिए, एसएससी जीडी रिजल्ट को लेकर अगर हम बात करें तो उससे पहले थोड़े से हम पीछे जाना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं कि इसका एग्जाम जो है 20 फरवरी 2024 से स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है। और एग्जाम स्टार्ट करने के बाद 7 मार्च लास्ट डेट थी एग्जाम की, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कुछ सेंटरों का एग्जाम फिर से रिकंडक्ट करवाया गया, जिनका 30 मार्च को यहाँ पर एग्जाम हुआ, ठीक है। और ये एग्जाम होने के बाद अभी क्या हो रहा है कि लोग सोच रहे हैं, जब 30 मार्च तक एग्जाम ही हुए हैं तो रिजल्ट इतना जल्दी कैसे आ सकता है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़े और बैक में जाएंगे तो आप सोचेंगे कि आखिर 20 फरवरी से एग्जाम हुआ है, फरवरी चला गया, मार्च चला गया, अप्रैल जाने वाला है, अब तो रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो देखिए, जो री एग्जाम हुआ है वो गलती आपकी नहीं है, वो विभाग की गलती है, तो इतना ज़्यादा डिले यहाँ पर नहीं किया जाएगा, ठीक है। बेसिकली अगर देखा जाए तो डिले होगा तो सिर्फ आप सभी का आंसर ही डिले हुआ है, रिजल्ट आप सभी का यहाँ पे डिले नहीं होगा। रिजल्ट अपने ही समय पर जारी किया जाएगा और आपका फिजिकल भी अपने ही समय पर विभाग लेगा। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ देखने के बाद यही लगता है कि आप सभी का जो रिजल्ट है वो इस महीने के लास्ट, ये महीने लास्ट चल ही रहा है, हो सकता है कि आप सभी का रिजल्ट कभी भी जारी हो जाए। अगर रिजल्ट इस महीने में जारी नहीं होता तो आप समझ लेना कि अगले महीने यानी मई के 15 मई से पहले आप सभी का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और आप भी अपना नंबर यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। और जैसे रिजल्ट आ जाएगा उसी के 3 दिन बाद आप सभी अपना एसएससी की ऑफिशियली वेबसाइट से जाकर अपना स्कोर कार्ड भी चेक कर सकते हैं कि आखिर कितना नंबर आपको किस सब्जेक्ट में मिला है और किस में आप कम नंबर पाए हो, सारी चीज़ आप सभी चेक कर सकते हो। और स्कोर कार्ड में ही आप सभी अपना नॉर्मलाइजेशन का नंबर भी चेक कर सकते हो, आखिर हमें नॉर्मलाइजेशन का कितना बेनिफिट मिला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। अभी आपके कम नंबर बन रहे हैं तो आप सबको घबराना नहीं है, क्योंकि आप सभी को यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलेंगे, इससे आपके भी नंबर यहाँ पर बढ़ेंगे, ठीक है। चिंता आपको नहीं करना है, आपको अपने मनीष भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा दी जाती है। सबसे बड़ी बात क्या निकल के आ रही है कि आखिर एसएससी जीडी की वैकेंसी बढ़ाने को लेकर, देखिए वैकेंसी बढ़ने की यहाँ पे कोई भी उम्मीद नहीं है, अगर बढ़नी होती अब तक बढ़ जाती, और बढ़ेगी क्यों नहीं, क्योंकि नई भर्ती का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है, 27 अगस्त 2024 से नई भर्ती का अप्लाई भी शुरू हो रहा है। तो वैकेंसी बढ़ने की यहाँ पे कोई भी उम्मीद नहीं है, आपको 26,146 पदों पर सिलेक्शन लेना है। तो अगर आप भी, आपका भी नंबर अगर ठीक ठाक बन रहा है तो आप फिजिकल तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको फिजिकल के लिए समय कम मिलेगा और देखा जाए तो करीब 10 जून के बाद कभी भी आप सभी का फिजिकल भी यहाँ पे शुरू हो सकता है। और फिजिकल की तैयारी पूरी कर ली जाएगी तभी आप सबका रिजल्ट यहाँ पर जारी किया जाएगा, ये भी बात यहाँ पर सत्य है। तो इसलिए आप सभी अपने आप को प्रिपेयर करिए, तैयारी इतनी हिसाब से करिए ताकि आप भी रनिंग यहाँ पे क्वालिफाई कर जाओ। अगर आप उन स्टेट से आते हैं जिनकी कट ऑफ यहाँ पे हर बार कम देखने को मिली है तो इस बार भी आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन हो सकता है पिछली बार से 4-5-6 नंबर ज़्यादा ही देखने को मिले, कम देखने को कोई भी उम्मीद नहीं है, ठीक है। अगर आप सभी यहाँ पे यूपी, बिहार, दिल्ली या फिर राजस्थान, हरियाणा से आते हैं तो आप सभी का कट ऑफ यहाँ पे हर बार हाई देखने को मिला है, तो इस बार भी हाई देखने को मिलेगा। अगर बेसिकली देखा जाए तो आपका 128 या फिर 126 के समथिंग यूपी वाले बच्चों को फिजिकल के लिए यहाँ पर बुलाया जा सकता है। और ये मैं कोई कट ऑफ यहाँ पे हिसाब किताब लगा के नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के तहत आपको बता रहा हूँ कि इतनी कट ऑफ रहने की उम्मीद है फिजिकल की, बाकी अब आगे जाने की इसमें फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है, क्योंकि कट ऑफ बढ़ने का मेन कारण हो रहा है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में बच्चों को इतना नंबर मिल जाएगा अब की बार, जिससे वो सोचेंगे नहीं हमारा 16 सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बस उनको अपने फिजिकल की तैयारी पर जोर देना है और अपने मेडिकल को संभाल लेना है, सिलेक्शन उनका हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपका एग्ज़ाम जो है वो शुरुआती दिनों में हुआ है, जैसे 20 फरवरी से आपका एग्ज़ाम शुरू हुआ था, अगर आपका 26-27 फरवरी से पहले ही हो गया एग्ज़ाम, तो आप सभी को यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि तो माना जाता है इन सबकी जो शिफ्ट थी थोड़ी सी हार्ड थी, लेकिन जिनका बाद में पेपर हुआ है उनका शिफ्ट यहाँ पर थोड़ी सी ईजी रही होगी। तो इन सभी को एक एवरेज मिलाने के लिए एसएससी यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में नंबर देता है, और नॉर्मलाइजेशन में सबको नंबर मिलेगा ये भी कोई लिखी बात नहीं है, और किसी किसी को नंबर मिलेगा ये भी यहाँ पे सत्य है, ठीक है। सभी को नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं मिलेगा, और कोशिश करता है एसएससी हर बार कि हर किसी को नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर दिया जाए और पेपर का जो पैटर्न है बिल्कुल सेम रखा जाए, लगभग केवल 19-20 का अंतर हो, जिससे हम आप सबको 1 से 2 नंबर ही प्रोवाइड करा सकें। लेकिन अब होता क्या है, क्योंकि एसएससी करते करते यहाँ पे गलती कर जाता है, किसी शिफ्ट को ज़्यादा हार्ड कर देता है, किसी शिफ्ट को यहाँ पे ज़्यादा आसान कर देता है, इसके चलते यहाँ पे इनको नॉर्मलाइजेशन में नंबर देना ही पड़ता है। तो इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अगर आपके भी कम नंबर बन रहे हैं तो आपको भी यहाँ पे सिलेक्शन लेने के चांसेस हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर ज़्यादा मिलेंगे, मैक्सिमम देखा जाए तो यहाँ पर 25 नंबर भी आपको मिल सकते हैं अगर आपकी शिफ्ट ज़्यादा हार्ड होगी तो। और देखना है रिजल्ट आने के बाद किसी किसी बच्चों को यहाँ पे 25 से 30 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन में मिले होंगे, तो जिससे उनका सिलेक्शन हो गया होगा,
ये भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी आगे चल के, ठीक है। तो इसको लेकर आप बिल्कुल चिंतित मत रहिए। फिर आपका रिजल्ट जो है आपका 10 मई से पहले आने की पूरी उम्मीद है। अगर 10 मई से पहले आप सबका रिजल्ट आ जाता है तो आपका फिजिकल जो है वो जून के मंथ में, वो भी 10 जून के बाद कभी भी यहाँ पे कंडक्ट करवाया जा सकता है। और हो सकता है इलेक्शन चलते ही भर्ती यहाँ पे थोड़ी डिले हो जाए, ये भी हो सकती है कि इलेक्शन चल रहा है इस वजह से आपकी भर्ती थोड़ी डिले हो जाए। लेकिन उनको एक चीज़ और भी देखना है कि 27 अगस्त 2024 से एक और नई भर्ती का अप्लाई शुरू करवाना है, इसलिए वो ऐसा नहीं करेंगे और SSC GD की भर्ती को बहुत ही फास्ट कंप्लीट करवाएंगे। अभी क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन कट ऑफ मैंने बता दिया कि अगर आपका 100 नंबर से कम बन रहा है और आप उन स्टेट से आते हैं जिनकी कट ऑफ यहाँ पे हर बार कम देखने को मिलती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, गुजरात हो गया, तो आप भी अपनी फिजिकल की तैयारी को शुरू कर दीजिए। यदि आप उन स्टेट से आ रहे हैं जिनकी कट ऑफ यहाँ पे हाई जाती है, यूपी हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, तो आपका नंबर अगर 100 प्लस बन रहा है तो ही आप सभी फिजिकल तैयारी करिएगा। उसके नीचे बन रहा है तो फिजिकल तैयारी करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। मैं सब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सबको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा और आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं इस वीडियो में एक शानदार अपडेट साथ। आपके लिए जय हिंद।